नमस्कार दोस्तों, मैं निखत बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। डायबिटीज की समस्या में मरीजों को खान पान और जीवन शैली का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान और जीवन शैली में गड़बड़ी होने पर यह समस्या और बढ़ जाती है। कई ऐसे फल, सब्जियां और खाद्य पदार्थ हैं जिनके सेवन को लेकर मरीज कंफ्यूज रहते हैं। डायबिटीज में पपीता खा सकते हैं या नहीं, इसको लेकर भी मरीजों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। दरअसल डायबिटीज में मरीज का ब्लड शुगर लेवल खान पान में गड़बड़ी की वजह से बढ़ सकता है, जिसकी वजह से मरीजों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। हाई ब्लड शुगर की समस्या में मरीज के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कम होता है या इसका सही ढंग से शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाता। ऐसे में आपको खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ शोध और रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज में पपीते का सेवन फायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में डायबिटीज और हाई शुगर की समस्या में पपीता खाना चाहिए या नहीं। डायबिटीज के मरीजों के लिए खाद्य पदार्थों को चुनना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। ऐसे में हमेशा एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही किसी भी फल या खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक डायबिटीज के मरीज पपीते का सेवन तो कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। टाइप 1 डायबिटीज वाले मरीजों को हमेशा हाई फाइबर फूड का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इससे उनके शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम रहता है। पपीते में फाइबर की उच्च मात्रा होती है, जिसका सेवन करने से शरीर में ब्लड शुगर, लिपिड और इंसुलिन का स्तर संतुलित रहता है। पपीता खाने पर हम लगभग 11 ग्राम शुगर का सेवन करते हैं। ऐसे मरीज जो टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित हैं, वे रोजाना सीमित मात्रा में पपीते का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भी पपीते का स्कोर 60 होता है, इसलिए इसका सेवन से शरीर में ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। पपीते का शरीर पर हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट ब्लड शुगर के लेवल को संतुलित रखने का काम करते हैं। जो लोग टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित हैं, वे भी पपीते का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसकी अधिक मात्रा का सेवन बहुत नुकसानदायक माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।